जय साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण सेशन को पढ़ने जा रहे हैं, जहां से आपके परीक्षा में सवाल आता है, आपके सिलेबस में है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास। अगर उत्तर प्रदेश इतिहास की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इतिहास सुविधा के दृष्टिकोण से हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, अलग अलग कालखंडों में पढ़ेंगे। लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हम आपके लिए निचोड़ महत्वपूर्ण तथ्य उसको पढ़ लो, उसके बाद हम इसकी जो एक वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तर प्रदेश को हम लोग पढ़ेंगे, जहां पर हम उत्तर प्रदेश के तीन भागों में प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन, उत्तर प्रदेश का आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मतलब इस तरह से तीन अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उत्तर प्रदेश जुड़े उन सभी तत्व, उन सभी पहलुओं को पढ़ लें, जहाँ से आपके परीक्षा में झोला भर भर के सवाल आते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में आप लोग इसके अंत तक बने रहेगा कि हम सभी मिलकर आज यूपी स्पेशल से, मैंने यूपी के उन तथ्यों को पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ से आप जब भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जब भी आपको लगता है कि नहीं यार हमें परीक्षा देनी है, परीक्षा के बारे में जानना है, तो यहाँ से प्रश्न झोला भर भर के आते हैं। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में, तो मिर्जापुर, बुंदेलखंड और प्रतापगढ़ के सराय नाहर क्षेत्र में खुदाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्राचीन और नवीन जो पाषाणकालीन औजार हथियार तथा मेरठ के जो आलमगीर में जो हड़प्पाकालीन वस्तुएं मिली हैं, उनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ का इतिहास बहुत ही प्राचीन रहा है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। जी हाँ, प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। माने अगर प्राचीन काल की बात करें तो जो गंगा का मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ये मध्य देश कहलाता था। मध्य देश वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करें महाजनपद की, कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स तथा मल्ल महाजनपद स्थापित थे। अगर मध्य पाषाण युग की बात करें तो मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजार और सूक्ष्म पाषाण पत्थर के परिष्कृत औजार भी दक्षिण उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को देखा जाए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रदेश में पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण इलाहाबाद के जिले के बेलन घाटी, सोनभद्र जिले के जो सिंगरौली घाटी और चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र से भी मिले हैं। भारत में पाषाणी सभ्यताओं की खोज की अगर हम बात करें तो 1863 में प्रारंभ हुई थी। भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फुट, जो भारतीय ऐतिहासिक के पिता को पलवरम तमिलनाडु के पत्थर के औजार हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त थे। आगे हम बात करते हैं इस सेशन में, इस सीरीज में, मध्य पाषाणकालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहर राज तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए। जी हाँ, अगर आप सब सिलेक्शन के लिए इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आप चाहे तो रट भी सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है। मैं ये चाहूँगा कि सभी तथ्यों को आप लोग रट लें और कोशिश करें कि यहाँ से आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ से सवाल आते हैं। कहाँ? प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा मदाह नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इलाहाबाद जिले की अगर हम बात करें तो नौ पाषाण स्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व छठी शताब्दी में भी चावल का उत्पादन होता था। तत्कालीन बर्तनों में पालिस वाला मृतभांड, घूसर मृतभांड, मंदोवण आदि भी, अंतरंजी, खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और शौक में मिले हैं। ये काफ़ी अहम और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहना चाहूँगा। आप सभी साथी, जितने भी लोग इस वीडियो में बने हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहेंगे, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार की जो सीरीज है, ये आप सभी के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप, एक सवाल है, छोटा सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को इस सवाल के बारे में पता भी होगा, इस सवाल को अच्छी तरह से भली भारी तरीके से आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य है वाला स्थल है संत कबीर जिले में स्थित लघुरा देव। जब बाहर से आ रहे तो उन्होंने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या सात नदी द्वारा संचित प्रदेश में बस्तियां बनाई। एक काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि सप्त सैंधव, सात नदियों के नाम आप बताएं, मैंने सप्त सैंधव किसे कहते हैं, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग सप्त सैंधव के नाम जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। दूसरी बड़ी बात है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आगे हम बात करें कि प्रारंभ में कुछ प्रमुख घरानों के नाम इस प्रकार थे, पुरु, तुर्वस, यदु, अनु और ध्रुव। ये पांच घराने
पंचजन कहलाते हैं। हो सकता है मुख्य परीक्षा में पूछ दे, हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में पूछ दे। तो यहां पर इस बात को याद रखिएगा कि पंचजन किसे कहते हैं, ये पांच घरानों को मिलाकर हम पंचजन कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो में बने हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे ध्यान से इसको तथ्य को पढ़ेंगे और अपने पास इसे नोट डाउन करके जरूर रखेंगे। अगर हम आगे बात करें तो धीरे धीरे आर्य पूर्व की ओर अग्रसर होने लगे, आर्य जो थे धीरे धीरे पूर्व की ओर अग्रसर होने लगे। कौशल और विधेय पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में भी, इसका जो वर्णन आपको वो शतपथ ब्राह्मण में भी देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा नॉइस आप लोग को बार बार आ रही होगी सीपीओ की, तो आप लोग थोड़ा सा उसे इग्नोर करिए, क्योंकि अगर पढ़ना है तो चीजों को धीरे धीरे सप्त सिंधु का महत्व कम हो, धीरे धीरे जो सप्त सिंधु का महत्व कम होता गया और आर्य को सरस्वती और गंगा की उपजाऊ भूमि को ने आकर्षित किया। मैंने धीरे धीरे करके जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो में बने हुए हैं, वे लोग ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सप्त सिंधु का महत्व कम होता गया और आर्य को सरस्वती और गंगा की उपजाऊ भूमि ने आकर्षित किया। यही उनकी संस्कृति, साहित्य, आध्यात्मिक और राजनीति का केंद्र बना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं इस सेशन को, अगर आप पढ़ रहे हैं इस सेशन को, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह सेशन को समझे, तो इस बात को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, जिसे हम अवध कहते हैं, राजते, ये मोस्ट आईएमपी लाइन है, सिलेक्शन वाली लाइन है। मतलब यहां से परीक्षा में हो बहुत सीधे सीधे सवाल आपके पूछे जाएंगे। इसलिए जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे भी इसके जवाब जरूर देंगे। अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर हमें मिलता है कि वैदिक काल में, जब वैदिक काल में पहुंचते हैं, इसमें ब्रह्मर्षि ने देश के नाम से पहचाना, इसे ब्रह्म जो ब्रह्मर्षि देश के नाम से भी इसे पहचाना जाता है। सभी लोग इस बात को जान लें, सभी राज्य जो थे परस्पर युद्धरत थे। अच्छा, मेरा सवाल आप सभी से, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, जरा ये बताएं इस युद्धरत का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कि जितने भी राज्य थे, सभी राज्य जो थे वो युद्धरत थे। तो अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़े तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। कौशल ने काशी और अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। कौशल ने काशी और अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। इसका भी जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट पे जरूर देना है, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ और देख रहे हैं। स्क्रीनशॉट को लीजिएगा, वैसे इसकी नोट्स आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं सभी साथी मित्र। आगे हम बात करें, बाद में कौशल अवंती को भी मगध द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया। बाद में चलकर हम देखते हैं कि कौशल अवंती को भी मगध द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया, जिसके कारण मगध राज्य जो है वो सर्वशक्तिशाली हो गया। ये कई बार पूछा जाता है कि मगध राज्य जो था वो सबसे सर्वशक्तिशाली होने का उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताएंगे सभी लोग, ठीक है। सभी साथी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जहां सबके परीक्षा में सीधे सीधे सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें, मगध में क्रमशः हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश का राज्य रहा। ये भी आपके इतिहास के पूछा जाता है, यूपी इतिहास में काफी अहम और काफी महत्वपूर्ण है। ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश में दो नए धर्म, जैन और बौद्ध धर्म के संपर्क में आया। इस काल में गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, मक्खली पुत्र गोसाल तथा अन्य महान विचारकों ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक क्रांति कर दी। ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये सवाल आपके लिखित में पूछा जा सकता है, ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वैचारिक क्रांति उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, धर्म की जो धार्मिक वैचारिक क्रांति थी वो कब से शुरू हुई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन आप सभी के लिए हो जाएगी, क्योंकि इस महान विचारक उत्तर प्रदेश में एक वैचारिक क्रांति का जन्म देते हैं। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। माने जैन धर्म के जो प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था, किंतु उनके अनुयायियों की संख्या उत्तर प्रदेश में काफी थी। लेकिन अगर उनके अनुयायियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उनके अनुयायियों की संख्या काफी ज्यादा थी। यहां तक अगर किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मथुरा को भी जानते होंगे आप सभी लोग, मथुरा में कंकाली टीले के भग्नावशेषों में किसी समय पर निर्मित एक भव्य जैन स्तूप का पता चलता है। मध्य युग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्म स्थलियां
आज भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थलों पर सुरक्षित है। माने मध्ययुग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्म की स्थलियां आज भी देवगढ़, चंदेरी, अन्य स्थलों पर सुरक्षित है। गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। यह लाइन सभी को रटनी चाहिए क्योंकि यहां से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्माण की संज्ञा दी गई। अगर हम बौद्ध धर्म ग्रंथ की बात करें, इसे महापरिनिर्माण की संज्ञा दी गई। ये दोनों सवाल, ये दोनों लाइन आपकी परीक्षा के लिए काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेक्शन के लिए तथ्य को पढ़ रहे हैं तो भैया जी इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे इस तय तथ्यों के साथ आपको क्रम से लेकर आगे चले। आगे हम देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अब मेरा सवाल यह है कि श्रावस्ती की सीमा उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि उत्तर प्रदेश के मानचित्र आपको याद होने चाहिए, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद आपको याद होने चाहिए। यहां से आपके परीक्षाओं में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। ये मोस्ट आईएमपी लाइन है आप सभी के लिए। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं महाजनपद उनकी राजधानी, एकदम रट लीजिएगा। ये वो टॉपिक है, वे प्रश्न है जहां से सवाल आते हैं। मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा कि महाजनपद उनकी राजधानी, अगर महाजनपद की बात करें कुरु, तो जो कहां तक फैले थे, मतलब ये भी आपको जानना जरूरी है। यहां से भी टॉपिक आपको समझना जरूरी है। कुरु की बात करें तो कुरु जो है ये मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर को मिलाकर फैला हुआ क्षेत्र था। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास। एक सवाल मेरा आपसे, अगर आप इस सेशन को पढ़ रहे हैं और लाइव पढ़ रहे हैं, डेली क्लास में टाइम से रहते हैं, तो देखिए मैं फिर से कहूंगा, देखिए आप लोग सब लोग सबसे पहले काम टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश्वर जरूर जुड़िएगा सभी साथी। अब देखिए दिल्ली का पुराना नाम क्या है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं कि दिल्ली का ना जो पुराना नाम है वो क्या है। सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करके बताएं कि दिल्ली का जो पुराना नाम है वो क्या है। पांचाल, अगर पांचाल की बात करें तो ये बरेली, बदायूं, फरुखाबाद। बरेली, बदायूं, फरुखाबाद। अच्छा मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिला की सीमा को स्पर्श करता है, आपका उत्तर होगा बदायूं। तो मेरा सवाल है बदायूं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। तो जो पांचाल था ये बरेली, बदायूं, फरुखाबाद, अहिचत्र, बरेली के पास रामनगर इसकी राजधानी थी। आगे हम बात करें सूरसेन, ये मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वो सूरसेन महाजनपद था। इसकी अगर हम बात करें राजधानी, तो इसकी मथुरा थी। ये राजधानी क्या थी? मथुरा थी। आगे अगर हम बात करें वत्स, ये इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र था ये वत्स महाजनपद था। इसकी राजधानी जो थी कौशाम्बी थी। इलाहाबाद के पास कौशम था, तो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। अगर हम बात करें कौशल अवध की, तो साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती गोंडा, माने साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती गोंडा इसकी राजधानी रही है। मल्ल की बात करें, महाजनपद मल्ल, ये जिला देवरिया तक फैला हुआ क्षेत्र था। महाजनपद मल्ल, इसकी जो राजधानी थी कुशीनगर, कसिया, पावा, जिसे पडरौना, संभवतः इसे पडरौना जो है वह क्षेत्र के पास था पावा। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग सभी लोग कर ले, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ इस सेशन में पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं, आपके इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। आगे हम देखते हैं काशी, तो जो काशी है ये वाराणसी का क्षेत्र था और ये इसकी राजधानी बनारस थी। अंग, भागलपुर, भागलपुर की बात करें तो ये जरा कमेंट करें भागलपुर किस राज्य में है, इसकी जो राजधानी थी चंपा थी। मगध, ये दक्षिण बिहार की बात है, इसकी गिरिब्रज, जो राजगिरी बिहार शरीफ के पास राजगीर है। ब्रिज, जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर के जिलों की तरह से मिलाकर था। मिथिला, जनकपुर नेपाल सीमा पर और वैशाली जिला मुजफ्फरपुर। चेदी, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र फैलाता चेदी, इसमें सुक्तिमती समौता बाधा के पास। मत्स, जयपुर, विराट जयपुर के पास। अस्मक, ये गोदावरी घाटी, अस्मक जो थे ये गोदावरी घाटी, यहां पर पांडे, यहां पे क्या थे? पांडे।
अवंती मालवा, अवंती जो मालवा का क्षेत्र था ये उज्जैनी जो उज्जैन तक फैला। तो ये महाजनपद उनकी जो राजधानियां थी ना, इसकी भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट अपने पास यहां पर सुरक्षित रख सकते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं। आगे है गांधार, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो पाकिस्तान में है, इसमें तक्षशिला रावलपिंडी के पास, कंबोज या राजापुर ये स्थानीय लगभग अज्ञात है, ये राजधानी ये कहां पे फैला हुआ है। तो यहां पर हमने यूपी में जुड़े हुए महाजनपदों के साथ साथ अन्य सभी महाजनपदों को पढ़ने और जानने का प्रयास किया, जहां सबके परीक्षाओं में झोला भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि 1840 से 1853, 1840 से 1853 के मध्य झांसी, जालौन, हमीरपुर, डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार अंग्रेजी राज में मिल डाली गई। माने 1840 से 1853 के मध्य झांसी, जालौन, हमीरपुर, डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति की शुरुआत मेरठ से 1857 ईस्वी से के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहां अपनी सरकारें स्थापित कर ली थी। 1857 ईस्वी के इस महान विप्लवन में बरेली का प्रशासन खान बहादुर खान नामक रोहिल्ला सैन्याधिकारी ने ग्रहण कर लिया था। ये मोस्ट आईएमपी है आप सभी के लिए, जो भी साथी मित्र सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके, सभी लोग। आगे हम बात करें 1857 ईस्वी में महान विप्लव में कानपुर प्रशासन पर नाना साहब का अधिकार था, इलाहाबाद पर एक अध्यापक मौलवी लियाकत अली का अधिकार था, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। ये हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इस विद्रोह के दमन में जनरल हिरोज को सक्रिय किया गया। 1872 में उत्तरी पश्चिम प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद और अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक कर दिया। इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिम प्रदेश, आगरा और अवध प्रांत कहा जाने लगा। 1 नवंबर 1858 को एक शाही घोषणा द्वारा सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह आप यूपी स्पेशल के साथ साथ आप आधुनिक भारत के इतिहास के सेशन में भी इसको पढ़ेंगे, वहां भी आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। यह पेज की आप स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा जो भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। माने 1 नवंबर 1858 को शाही घोषणा द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली जाती है। अब इसी के साथ हम और आगे चलते हैं आप लोग को लेकर, आगे देखते हैं 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग करके प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। मोस्ट आईएमपी है। माने 1858 ईस्वी में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग करके प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। 1902 में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। यह मोस्ट आईएमपी लाइन है आपके लिए, मतलब 1902 ईस्वी में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। सन 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सन 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए। मोस्ट आईएमपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक, माने 1885 से लेकर 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए। ये एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेर कर जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी। मोस्ट आईएमपी है। ये पूछा जाता है, पहली बात तो यही पूछा जाता है कि चौरी चौरा किस राज्य में है, तो जान लीजिएगा चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और गांधी जी ने 12 फरवरी को 1922 को समय से पूरी असहयोग आंदोलन को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब और आगे चलते हैं, हम चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख ले आप लोग। आगे आपके सामने है कि प्रदेश के कुछ प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन जो इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में भी पूछा जाता है, ये एमसीक्यू में भी आते हैं, कूट वाले सवालों में पूछे जाते हैं। प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो वर्ष
स्थान अध्यक्ष 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जॉर्ज यूएन। ये पहला यूपी का पहला अधिवेशन था यूपी के अंदर। 1892 इलाहाबाद, इसके अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा 1910 इलाहाबाद, सर विलियम बेडरबन। 1899 लखनऊ, रामेश चंद्र दत्त। मतलब इलाहाबाद में लगातार तीन होते हैं, दूसरा अगर कहीं होता है तो लखनऊ में होता है 1899 में, जिसके अध्यक्ष रमेश चंद्र दत्त जी थे। 1916 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में अंबिका चरण मजुमदार, ये मोस्ट एमपी है, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अगर पिछली परीक्षाओं की बात की जाए, प्रीवियस पेपर की बात की जाए, तो यहां से आपके परीक्षा में सवाल झोला भर भर के आया। 1936 में फिर से लखनऊ में होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। 1925 में मोस्ट आईएमपी है, ये प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, अगर महिला की बात की जाए तो सेकंड महिला, श्रीमती सचिन नायडू कानपुर में मोस्ट आईएमपी है सभी के लिए। ये अगर बात करो 1925 कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी, ये प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रही। आगे हम लोग जो आधुनिक भारत के इतिहास सेशन को पढ़ेंगे, इनको भी और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस में एक ही अधिवेशन होता है केवल, कानपुर में एक होता, मेरठ में एक होता, लखनऊ में तीन, इलाहाबाद में तीन होता, इस प्रकार कुल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे। बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले जी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और 1946 में मेरठ में होता है आचार्य जेबी कृपलानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरी सीरीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग सिलेक्शन के लिए ललित दुर्गेश को पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए ललित दुर्गेश से जुड़े हैं, इन सभी तथ्यों को पढ़ लें, ध्यान दें, इन सभी की स्क्रीनशॉट कर लें। ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए थे, ये यूपी स्पेशल की सीरीज में एक प्रमुख तथ्य की सीरीज है, एक प्रमुख टॉपिक, प्रमुख कॉन्सेप्ट है, जहां सबके परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं, इसके स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो कुछ की पॉइंट आते हैं। संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र 1920-22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया, इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश। 12 जनवरी 1950 से शुरू होता है, लेकिन यह 24 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया, मोस्ट आईएमपी। 1 नवंबर 1956 को राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, जो आज हमें उत्तर प्रदेश देखने, पढ़ने और सुनने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के नाम से एक नया राज्य का निर्माण किया गया। अब जरा कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों को छूती है। दूसरा सवाल, कितने जिलों को तोड़कर उत्तराखंड बनाया गया था, मतलब उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को तोड़कर काटकर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया था। सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। मैं बार बार कहूंगा, यूपी के मानचित्र से आपके कम से कम 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। अगला है आपके सामने दिल्ली और उत्तर प्रदेश का प्रभुत्व वाला राजवंश गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, 1206 से 1220। फिरोज खिलजी, इसमें इसके जो संस्थापक फिरोज खिलजी, खिलजी वंश, फिरोज खिलजी 1290 से 1320। तुगलक वंश, जिसके संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक 1320 से 1413। सैयद वंश खिज खां 1414 से 1451। बहलोल लोधी, लोधी वंश संस्थापक थे 1451 से 1526। मुगल वंश बाबर संस्थापक था 1526 से 1707। मैंने दिल्ली और उत्तर प्रदेश प्रभुत्व वाले जो राजवंश थे उनकी जो सीरीज आपके सामने है, ये काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे अगर हम बात करें तो आगे आपको मिलेगा प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, इसमें मेनेंडर का युद्ध 1882 ईसा पूर्व में नाडर के उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य हुआ, जिसमें जयचंद की मृत्यु और हार दोनों हो जाती है। कालिंजर का युद्ध 1202 से 1203 में चंदेल शासक परमरदीदेव कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य हुआ, जिसमें पर देव जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसकी भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला है जौनफर का युद्ध। जौनफर का युद्ध जो था 1478 में, ये बहलोल लोधी ने जौनपुर के अधिकार कर लिया था।
ठीक है, तो ये जौनपुर पर अधिकार के लिए था किसने? बहलोल लोधी 1478 में। आगे एक खानवा की 1527 में बाबर राणा सांगा की मध्य हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय होती है। कालिंजर के द्वितीय युद्ध हुआ था 1545 में, जिसे शेरशाह सूरी की विजय और मृत्यु दोनों हुई थी। आगरा का द्वितीय युद्ध 1554 से 56 के बीच हुआ, इसमें लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। आगे अगर हम बात करें बनारस के युद्ध 1780 में, राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के मध्य राजा तेज सिंह की पराजय हुई। मथुरा का युद्ध 1804 में हुआ, इसे मराठों और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें जनरल लेक पराजित था और मथुरा और आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया था। चिनाहट का युद्ध 1857 में, अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली। 6 सितंबर 1857 को अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आगे अगर हम बात करें आपके साथ, तो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मध्यकालीन इमारतें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम है, जामा मस्जिद, निर्माता बाबर और स्थान संभल, मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर, सिकंदर आगरा में स्थान है। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था सिकंदरा आगरा में। इत्मादुल्लाह का मकबरा नूरजहां बेगम ने बनवाया था आगरा में। दीवाने आम दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया था आगरा और दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूंगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक बने रहे, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ये मेरे द्वारा निशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में और इलर्निंग विद दुर्गेश ऐप प्ले स्टोर से सभी लोग डाउनलोड कर लें, और टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश से सभी लोग जरूर से जरूर जुड़े रहें। जहांगीर महल अकबर ने आगरा जहांगीरी महल अकबर ने बनवाया था आगरा में। आगे हम बात करते हैं आगरा का किला, आगरा का जो किला है ये किसने? अकबर ने बनवाया आगरा में। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया आगरा में। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया आगरा और दिल्ली में। लाल दरवाजा मस्जिद मोहम्मद शाह ने बनवाया जौनपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट, जौनपुर से याद रखिएगा। जामा मस्जिद हुसैन शाह सर की जौनपुर, इब्राहिम शाह सर की अटाला मस्जिद जौनपुर, जजरी मस्जिद इब्राहिम शाह सर की जौनपुर। ये जौनपुर, मैं भी जौनपुर से हूँ, आप किस जनपद से हैं और आपके यहाँ क्या प्रसिद्ध है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। जामा मस्जिद अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी, ये सभी लोग ध्यान से पढ़ें और जहाँ समझ में ना आए कमेंट जरूर करेंगे। आगे अगर हम बात करें शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी। इस्लाम खां का मकबरा अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी। खास महल अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी। बीरबल महल अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी। जोधाबाई महल बनवाया अकबर ने फतेहपुर सीकरी। तो ये प्रमुख ऐसे मध्यकालीन ऐतिहासिक इमारतें थी जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाते हैं। आप चाहें तो इन सभी की स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। तो यहां तक हमने पूरी कोशिश की आपको बताने के लिए। ऑनलाइन क्लास और नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो फेसबुक यूट्यूब और ई लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर लाइव चल रहा है। जहां भी वीडियो को देख रहे हैं लाइक करिएगा, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा। जब भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा। ये सभी नोट्स आपको इलेनी विद दुर्गेश के ऐप पर आसानी से मिल जाएगी। घर बैठे भी अगर नोट्स चाहते हैं इन नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। एनसीईआरटी के सभी नोट्स कक्षा 6 से लेकर 12 तक इलेनी विद दुर्गेश के ऐप पर है, जहां पर आप जाकर उन सभी नोट्स को पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और अपने सभी मित्रों तक उस नोट्स को पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक, ये पूरी सीरीज आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस सीरीज को पूरा आप लोगों ने पढ़ लिया है, फिर भी कोई प्रश्न है, फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यूपी स्पेशल की सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। ये सीरीज जो है एक तरह से देखा जाए तो आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद इसके और डीप में भी जाकर हमें सीरीज शुरू करेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश एक वैकल्पिक विषय के रूप में, जहां पर हम कोशिश करेंगे आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। तो आप लोग इस खास चैनल पर बने रहिएगा और अपना नोट्स भी खुद से तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो समय आपके पास कम है तो ये नोट्स भी मंगा सकते हैं घर बैठ के, ठीक है। तो कोई प्रश्न कोई सवाल हो कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है तो इलर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल जरूर पूछ सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश के किस जनपद से और आपके यहाँ कौन सी ऐतिहासिक स्थल प्रसिद्ध है या कौन सा इतिहास के झरोखे से आपका जिला प्रसिद्ध है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू आप सभी का, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाय बाय, जय हिंद।